ओके स्टार। हेलो। तो आईजीपी रूल होता है कि आईजीपी रूल में होता है कि जो राउटर होता है हमारा, ठीक है, राउटर अगर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, ठीक है, सपोज कि राउटर रिसीविंग द रूट फ्रॉम इट्स आईबीजीपी नेबर, ठीक है, आईबीजीपी नेबर, तो ये क्या करता है, विल नेवर सेंड टू रूट्स, ठीक है, ये विल नेवर सेंड रूट टू इट्स आईबीजीपी नेबर को, ठीक है। अब जिसमें इसमें क्या होगा कि कोई राउटर जो है जिस जहां पे हमारे कॉन्फ़िगरेशन हुए हैं आईजीपी चल रहे हैं, ठीक है, आईजीपी चल रहा है, तो आईजीपी से कोई अगर ये रिसीव करता है तो ये दोबारा आईजीपी को फॉरवर्ड नहीं करता है, ठीक है, अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसको इसका एक रूल है जो कि ब्रेक करने के लिए हमें आया था, ठीक है, ये जो रूल है इसे ब्रेक करने के लिए हमारे पास आया था, ठीक है, ब्रेक करने के लिए आया था रूट रिफ्लेक्टर, ठीक है, फिर रूट रिफ्लेक्टर। अब रूट रिफ्लेक्टर क्या होता है, रूट रिफ्लेक्टर हमारा एक टाइप का ये काम करता है, सर्वर का काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, हम क्या करेंगे, हम इसमें रूट रिफ्लेक्टर में क्लाइंट बनाएंगे कुछ, जैसे कि सपोज हम बनाते हैं क्लाइंट, ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं फर्स्ट नंबर पे, पहले हम इसमें हमारा जो राउट आरआर होगा, रूट रिफ्लेक्टर, ये क्या करेगा, ये क्लाइंट से भी कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, क्लाइंट से भी कम्युनिकेट करेगा और नॉन क्लाइंट से भी कम्युनिकेट करेगा, ओके, ठीक है। और सेकंड में, ओके सर, सेकंड में आ जाता है यहाँ पे क्लाइंट क्या होंगे इसमें, बता रहा हूँ एक सेकंड, क्लाइंट हो गया, क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट जैसे ना कि मैं क्या करूंगा, इसमें एक कमांड चलाऊंगा रूट रिफ्लेक्टर, नेबर नेबर होगा, फिर नेबर के पास से रूट रिफ्लेक्टर, और रिफ्लेक्टर के बाद से मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्लाइंट। तो क्लाइंट का मतलब ये है कि जो हमारा हमने क्या किया कि मैंने एक ये बना रखा, मैं अभी बता रहा हूँ, तो ये क्लाइंट जो हमारा है वो क्लाइंट क्या करेगा, हमारे क्लाइंट से भी कम्युनिकेट करेगा, क्लाइंट से भी कम्युनिकेट करेगा और नॉन क्लाइंट से भी कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। और जो थर्ड है ये हमारा नॉन क्लाइंट, नॉन क्लाइंट क्या होता है, नॉन क्लाइंट कभी भी, नॉन क्लाइंट जो है वो क्लाइंट से बात करेगा लेकिन क्या करेगा, ये नॉन क्लाइंट से बात नहीं करता, ये कि नॉन क्लाइंट्स का जो नॉन क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेता है वो नॉन क्लाइंट को नहीं देता है, ठीक है, यहाँ पे देता नहीं है, नॉट देता हूँ मैं, Does not send to non-client, ठीक है, ये है। अब मैं बताता हूँ क्या होता है, सपोज मेरा ये राउटर तीन है, ठीक है, ये एक डायग्राम है, मैंने इसमें आईपी एड्रेस कर रखा है, तो इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना और बीजीपी चलाना है, ठीक है। सपोज कि मेरा राउटर तीन है, राउटर तीन जो है मेरा आरआर है, आरआर यानी कि रूट रिफ्लेक्टर है, मैं क्या करूंगा, राउटर वन और राउटर फोर को बुला लूंगा क्लाइंट, ठीक है, और बाकी जिसपे मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूंगा ना, क्लाइंट नहीं चलाऊंगा, तो वो क्या होगा, मेरे ऑटोमेटिक वो नॉन क्लाइंट बन जाएंगे, ठीक है। सपोज कि मेरा यहाँ पे एक, यहाँ पे मेरा एक नेटवर्क है, ठीक है, ये /24 का मेरा नेटवर्क है, ये क्या करेगा, ये आईजीपी जिसमें चल रहा है तो ये क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जब भेजेगा ना, तो ये देखेगा कि ये तो आईजीपी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ जाएगा ही नहीं, इस राउटर पे
मतलब ये राउटर वन का जो इन्फॉर्मेशन है ये राउटर थ्री पे आ जाएगा, लेकिन फिर क्या करेगा, राउटर थ्री जो है ये अगर आगे जब भेजेगा ना तो ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक आईजीपी रूल लगता है, जो कि आईजीपी रूल ये है कि राउटर रिसीव द रूट फ्रॉम इट्स आईजीपी नेबर विल नेवर सेंड रूट टू इट्स आईजीपी नेबर। ये अपने खुद जो रूट्स जो आता है वो आईजीपी से अपने खुद आईजीपी को जो नेबर होता है उसको फॉरवर्ड नहीं करता है, ठीक है। अब इसी चीज को हमने, ये है हमारा रूल ब्रेक करने के लिए हमारा लगा था राउट रिफ्लेक्टर, जो कि राउट रिफ्लेक्टर हम बनाएंगे, और राउट रिफ्लेक्टर में एक को हम क्लाइंट बनाएंगे और दूसरे में हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते ना, तो वो नॉन क्लाइंट ऑटोमेटिक बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है क्लाइंट और नॉन क्लाइंट का। अब इसी को हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे राउटर, और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसमें जैसे ये राउटर वन है, ठीक है, राउटर टू, राउटर थ्री, राउटर फोर, तो इसका मैं जो आईपी लिया हूँ ना वो वन और थ्री करके आएंगे, 13 डॉट का नेटवर्क होगा, ठीक है। ये टू और थ्री है तो 23 डॉट का, ये थ्री और फोर है तो 34 का, और ये थ्री और फाइव है तो 35 का नेटवर्क। अब ये इंटरफेस पे जो आईपी मैंने दे रखी है वो राउटर वन है तो यहाँ पे वन होगा, राउटर टू है तो यहाँ पे टू होगा, ये थ्री है तो इनके सारे इंटरफेस पे यहाँ पे थ्री होगा, और यहाँ ये जो है फोर है तो यहाँ पे फोर होगा और यहाँ पे फाइव होगा। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, और एक एक लूप बैक दे रखा है, राउटर वन पे वन का लूप बैक, राउटर टू पे टू का, थ्री पे ऐसे तक लूप बैक। तो कमांड को चेक करने के लिए इसको शो आईपी, ठीक है, इंटरफेस करके टैप कर दो, ब्रीफ, ये आ गया, ठीक है। देखो 0/0 पे जो है 13.1.1.1 और एक लूप बैक दे रखा है, ठीक है। और इसमें हम चेक करते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल, यानी कि कोई भी आईजीपी प्रोटोकॉल रन नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे ही राउटर टू पे है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में आप यहाँ देखोगे 4.1 है, तो 4.1 पे हमने यहाँ पे जो आईपी दे रखी है 23.1.1.2 और एक लूपबैक दे रखा है, ठीक है। यहाँ भी कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही करके सारे राउटर पे दे रखे हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये है, ठीक है। लास्ट में जो आईपी है वो 3.3.3.3 है, ठीक है, एक लूपबैक है इस पे और इस इंटरफेस पे आईपी दे रखी है। ऐसे ही 4 पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, और ऐसे ही 5 पे इंटरफेस। तो अब इसमें हम ना कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पहले हम कर लेते हैं राउटर वन पे आते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। हेलो सर, ये राउटर रिफ्लेक्टर को पहले एस्टैब्लिश करने के लिए बना, क्या क्या राउटर रिफ्लेक्टर को अभी बनाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो ना? हाँ, रूट रिफ्लेक्टर जो है उसको हम बनाएंगे, वो रूट रिफ्लेक्टर एज ए सर्वर का काम करेगा। राउटर रिफ्लेक्टर, तो ये राउटर थ्री है, ये क्या करेगा, मेरा सर्वर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर मेरे पास क्लाइंट से, ठीक है, ये बन जाएगा, खुद को ये बना लेगा, ये जो है ठीक है, ये जो है, ये जो राउटर है, अरे हाँ, ये जो है ये खुद को बना लेगा क्या, यहाँ पे आ रहा राउट रिफ्लेक्टर, हाँ राउट रिफ्लेक्टर आ जाइए क्लाइंट, क्योंकि मैं जो कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, ठीक है, वो इसी राउटर पे करूंगा। यहाँ से जब कॉन्फ़िगरेशन करूंगा मैं, तो मैं इसको क्लाइंट बनाऊंगा या इसको क्लाउड बना, सपोज कि मेरा ये क्लाइंट है, ये मेरा एक ये क्लाइंट है मेरा राउटर वन, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जब ये आएगा ना यहाँ पे,
तो ये क्या करेगा, रूट रिफ्लेक्टर जो है सर्वर है, ये क्या करेगा राउटर टू को भी देगा, ठीक है, ये क्या करेगा राउटर फोर को भी देगा, ठीक है, और ये क्या करेगा राउटर फाइव को भी देगा, ठीक है। तो एज ए हमारे ये सर्वर का काम करेगा, ठीक, ये हमारा होता है ओके आईजीबी में। ओके, तो सर, तो आप इसे बता दीजिए, रूट रिफ्लेक्टर है वो जो उसमें भी काम कर सकता है लूप अवॉइडेंस में। लूप अवॉइडेंस, हाँ लूप यस अवॉइडेंस जो सर, मैंने बताया था ना उस दिन, इसमें है कि नहीं, यस जो सर, लूप अवॉइडेंस जो मैंने बताया था, एक डायग्राम मैंने बनाया था, चार राउटर लगा लिया था जिसमें आईजीपी हो रहा है, तो वो वही बता रहा हूँ, ये देखो ना आईजीपी रूल, आईजीपी रूल वही बता रहा हूँ, जो लूप अवॉइडेंस का जो मैंने बताया था वही बता रहा हूँ उसमें आईजीपी में, ठीक है। ओके सर, ओके। अब जैसे सपोज कि मेरा क्या होगा कि यहाँ से ये मेरा जो पैकेट है ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बार बार ये भेजेगा, यहाँ पे ब्रेक ब्रेक हो जाएगा वो, ये बार बार भेजेगा ब्रेक हो जाएगा, तो इसको कम्युनिकेट करने के लिए हमारा आया था रूट रिफ्लेक्टर। रूट रिफ्लेक्टर एज ए सर्वर का काम करता है, जो कि अपने क्लाइंट्स जो भी क्लाइंट से या नॉन क्लाइंट से जो भी इन्फॉर्मेशन लेगा वो देगा। पर सपोज कि ये मेरा जो है राउटर टू है, ये मेरा नॉन क्लाइंट है, नॉन क्लाइंट है, तो ये क्या करेगा नॉन क्लाइंट से सर्वर पे जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ सर्वर पे गया, ये क्या करेगा राउटर वन को भी देगा, राउटर फोर को भी देगा, और राउटर थ्री, ये फाइव है जो, इसको भी देगा। पर ये देखेगा क्या, जब ये इसको जब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भेजेगा ना, तो ये देखेगा तो ये तो मेरा क्लाइंट है ही नहीं है, ये तो नॉन क्लाइंट है, तो नॉन क्लाइंट से नॉन क्लाइंट इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं जाती है इसमें, ठीक है, समझ में आया कुछ अभी विनय यस सर, आकाश विजेंद्र सर? यस सर, यस 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 सर, तो इसमें यस यही है सर, प्लान, ठीक है, तो यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं जाती, ये मैं सारी चीजें आपको ना इसमें कमांड के थ्रू मैं दिखाऊंगा, और जो भी इनपुट आएंगे वो सारे इनपुट मैं आपको बताता हूँ इसमें, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं इसमें, और हमें यहाँ से ये हम बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन इसमें करेंगे, बीजीपी हमारा एज ए पाथ वो डिफाइन करेगा कि हमारा जो ये प्रीफिक्स है वो किस पाथ से होकर जाएगा, बट इसके अंदर राउटिंग हमें चलानी पड़ेगी, तो राउटिंग के लिए मैं एक काम करता हूँ, राउटिंग के लिए मैं चला लेता हूँ इसमें ओएसपीएफ, ठीक है। तो मैं ओके okay। राउटर पे आता हूँ, पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ मैं ओएसपीएफ। आपको उस दिन बताया था ना कि मैंने सिर्फ बीजीपी में चला दिया, बट मेरा वहां पे पिंग नहीं हुआ क्योंकि वो ड्रॉप हो गया, वो इसलिए हुआ कि हमने कोई इसमें राउटिंग परफॉर्म नहीं किया था, ठीक है सर, समझ में आया था ना उस दिन विनय? हाँ जी, हाँ, उस दिन जो बताया था मैंने था लूप कि बैक का आईपी एरर रीचेबल नहीं था, इसलिए हमने उसको हाँ रीचेबल, इंस्टॉल हाँ करने के रीचेबल लिए। नहीं था वो, इसीलिए उसका पिंग नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ इसमें यहाँ पे राउट ओएसपीएफ 10 प्रोसेस आईडी मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है, और एक इसमें राउटर आईडी दे देता हूँ 1.1.1.1.1.1.1, ठीक है, और नेटवर्क जो है वो मैं दे देता हूँ डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ से मेरे पास कोई भी प्रीफिक्स अगर आता है, ठीक है, तो वो इसमें कॉल हो जाएगा ओएसपीएफ में, और ओएसपीएफ में, और चाहे ये बीजीपी में कराऊंगा तो बीजीपी में तो मेरे को मैनुअली कॉल करना पड़ेगा, लेकिन ओएसपीएफ में मेरा रहेगा, तो उसमें कोई भी प्रीफिक्स अगर मेरे पीछे से आता है यहाँ से, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे कॉल हो जाएगा इस राउटर के पीछे से कोई भी आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.0.0.0.0.255 255 जो है इसका वाइल्ड कार्ड मास्क है, जो कि सबनेट का ऑपरेट होता है, ठीक है, और इसके बाद हम एक लेते यस हैं सर, यस सर, एरिया, और एरिया जो है वो सारे जीरो में कर देता हूँ, राइट, ठीक जीरो बैकबोन एरिया। है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है, शो आईपी प्रोटोकॉल जो है वो मैंने चला रखा है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पर नेबर अपनी आएगा, ठीक है, नेबर अभी अपनी आएगा। हाँ ये मैंने चला रखा है, ठीक है, डिफॉल्ट का, पर नेबर अपनी आएगा अभी, ठीक शो आईपी ओएसपीएफ नहीं आ रहा ना, ऐसे ही मैं राउटर टू है, राउटर टू पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, ठीक है, इंटर सॉरी राउटर राउटर ओएसपीएफ 10 राउटर आईडी 2.2.2.2, ओके, एंड नेटवर्क 0.0.0.0.255 255.255.255, ओके, एरिया 0, ठीक है, सेम
राउटर थ्री पे, ठीक है, राउटर थ्री पे आ जाते हैं, राउटर थ्री पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। हमें तो इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म नहीं करना है, तो मैं इसमें राउटर एसपीएफ एसएस 10 राउटर आईडी 3.3.3.3 नेटवर्क, नेटवर्क में काम करता हूँ इसमें, जीरो ले लेता हूँ, ठीक है, जीरो स्लैश 0.0.0.0 डिफ़ॉल्ट एरिया 0, ठीक है, डिफॉल्ट लेके चल गया, इसलिए कि मेरा कोई भी, अब देखिए नेबर एजेंसी ये बन गया, ठीक है, एजेंसी आ गया, ठीक है, वन के साथ आया और टू के साथ आया, ठीक है, टू के साथ आ गया। सेम कॉन्फ़िगरेशन मैं कर दूंगा राउटर फोर पे, राउटर फोर पे कॉन्फ़िगरेशन राउटर ओ एस पी एफ एन राउटर आई डी 4.4.4.4 4.4.4 और नेटवर्क 0.0.0.0.255.255.255.255 5 पे कंट्री टर्मिनल राउटर ओएसपीएफ 10 राउटर आईडी 4.4.5 ना 5.5.5.5 और नेटवर्क 0.0.0.0 255.255 एरिया 0, ठीक है, आप आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? नीस, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ। व्हाई यू आर कॉन्फ़िगरिंग द लूपबैक आईपी एड्रेस? लूपबैक? यस। लूपबैक हम इसलिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं कि हम जो भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए विदाउट लूपबैक भी तो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हाँ, लूपबैक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं विदाउट लूपबैक कॉन्फ़िगरेशन। मैम ने इसलिए यहाँ पे लूपबैक का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप लाइव एनवायरनमेंट में अगर काम कर रहे हो तो आपके पास रिडंडेंट लिंक है, डबल लिंक है आपके पास, सपोज आपका एक इंटरफेस डाउन जाता है तो वो आपका लूपबैक, क्योंकि लूपबैक होता है, लूपबैक हमारा कभी भी डाउन नहीं होता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक दूसरे पे, दूसरे के थ्रू ना वो जाएगा, ट्रैफिक तुम्हारा जाने लगेगा, अगर कोई इंटरफेस डाउन होता है तो उसमें उसमें ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम लूपबैक का यूज, लूपबैक को दी जाएगी कि आपका नॉर्मल इंटरफेस को दी जाएगी? एक बार फिर से बोलो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो एक बार। मैं कह रहा हूँ जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी वो लूपबैक को रहेगी ना? हाँ, लूपबैक को ही रहेगी, क्योंकि लूपबैक, देखो लूपबैक पे अगर हम नेबर बनाते हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, जो ओएसपीएफ जो हमारा है, ठीक है, ठीक है, तो ओएसपीएफ में तो हम तो इंटरफेस पे ही बनेगा हमारा, ठीक है, अगर इंटरफेस डाउन हुआ तो मेरा डाउन हुआ। इसमें क्या हो कि हम राउटर आईडी दिए हैं तो राउटर आईडी में हमें दिखेगा नेबर, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, तो ये राउटर आईडी का नेबर दिखता है, लेकिन जो अगर एक्चुअल में देखोगे ना यहाँ पे ओएसपीएफ में, ठीक है, ओएसपीएफ में देखोगे तो ये देखो नेबर दिख रहा है, राउटर राउटर आईडी ये दिखेगा तुम्हें, क्योंकि राउटर आईडी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, देखो सो आईपी प्रोटोकॉल, देखो राउटर आईडी दे रखा है, अगर राउटर आईडी नहीं देते, अगर लूप बैक यहाँ पे होता, ठीक है, तो वो लूप बैक ले लेगा, अगर लूप बैक नहीं है तो वो इंटरफेस को ले लेगा और इंटरफेस के थ्रू यहाँ पे नेबर दिखाएगा, ये जो दिखा रखा है, ये नेबर जो दिखा रखा है और इसका देखो एड्रेस दिखा रखा है, ठीक है, मैं तीन पे हूँ ना, तो तीन के साथ मेरा पांच का मेरा राउटर आईडी है, तो राउटर आईडी के साथ मेरा नेबर है, नेबर आईडी बन गया राउटर आईडी, ठीक है, हाँ, और ये एड्रेस इसका है जिसके साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है, तो किसके साथ है ये एड्रेस 35.1.1.5, 35 कौन सा है हमारा, राउटर में तीन पे हूँ तो राउटर तीन से ये जो मैंने दे रखा है पांच पे दे रखा है, ठीक है, तो ये पांच पे उसका दिखा रहा है। और जो हम बीजीपी में बनाएंगे नेबर, तो बीजीपी में क्या होता है, बीजीपी में ये क्या करेगा, ओएसपीएफ में हम जो कमांड चलाते हैं, ठीक है, तो ये हमें क्या करता है, ये हमने कमांड चला दिया 0.0.0 का, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक वो नेबर बनाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक उसको जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी की जो भी होती है, सपोज दैट की यहाँ पे जो राउटर आईडी जो बनता है ना, जो राउटर आईडी जो बनेगा
वो तो लूप बैक बनेगा, अगर लूप बैक है तो लूप बैक बनेगा, लूप बैक नहीं है तो जो फिजिकल लाइव इंटरफेस, जो लाइव इंटरफेस है जो कि मतलब चल रहा है ठीक है, तो उस पर ये निर्भर बनेगा। सपोज मैं यहाँ से ना लूप बैक हटा दूंगा तो यहाँ पे फिजिकल इंटरफेस की आईपी दिखेगी कौन सी, 35.1.1.3 की आईपी दिखेगी ठीक है। ठीक है और हम जब बीजीपी में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बीजीपी में क्या होता है, हमें मैन्युअली हमें डिफाइन करना होता है कि मेरा नेबर रहेगा ये ठीक है, क्योंकि बीजीपी तो नेबर बेस ही डिफाइंड होगा ना। हाँ बीजीपी में नेबर ही हमें आईपी देनी पड़ती है, क्योंकि हाँ नेबर की आईपी हमें, हाँ नेबर की आईपी हमें मैन्युअली बताना पड़ता है बीजीपी में कि मेरा ये नेबर रहेगा ठीक है। और ओएसपी में क्या होता है, ओएसपी में हम नेटवर्क का कमांड चलाते हैं तो वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिक जो भी राउटर आईडी होती है उसकी, उस राउटर आईडी के साथ वो अपना नेबर बनाता है ठीक है। डेटाबेस टेबल भी तो मेंटेन करता है ओएसपी। हाँ डेटाबेस टेबल देखोगे सो आईपी ओएसपीएफ ठीक है, ओएसपीएफ डेटाबेस ठीक है, डेटाबेस भी जो मेंटेन करेगा वो राउटर आईडी से ही करता है ठीक है, लिंक आईडी जो है ना वो उसी से करेगा। अगर लूपबैक आईपी यहां पे नहीं होगी तो इंटरफेस की आईपी जो होगा उसे वो दिखाएगा यहां पे ठीक है। इसका डिस्कशन ना ओएसपीएफ का डिस्कशन अभी हम उसमें करेंगे ठीक है, बाकी इतना तो समझ में आ गया ना, नॉर्मल ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन इसमें करना है ठीक है। ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमें हमारा वो है ना, ये तो सर पूरा पूरा टॉपिक हो गया फिर तो ये ठीक है। इलेक्ट होती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें ओएसपीएफ में सब आ जाएगा, ओएसपीएफ जब स्टार्ट करेंगे तब उसमें करेंगे ठीक है। मैं अभी राउटर वन पे हूँ, राउटर वन से मैं राउटर फाइव जो है उसका लूप बैक है मैं उसको पिंग कर रहा हूँ, रीचेबल है कि नहीं है, वो मेरा रीचेबल है ठीक है। यहाँ से मैं 2.2.2.2 को कर रहा हूँ ये भी रीचेबल है ठीक है, 3.3.3.3 को कर रहा हूँ ये भी रीचेबल है ठीक है, 4.4.4.4 ठीक है ये भी रीचेबल है ठीक है, सारे हमारे हो गए ठीक है राउटर वन से। अब हमें क्या करना है, हमने इसमें क्या किया ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन करा दिया, अब हमें क्या करना है, हमें करना है BGP ठीक है राउटर रिफ्लेक्ट। हाँ तो IBGP में मैं काम करता हूँ, यहाँ पे हमने IBGP कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मैं इसमें ले लेता हूँ 500 ठीक है ओके। यहाँ से ये पूरे में कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो मैं राउटर वन पे, तो कमांड इसका था कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें पहले BGP के राउटर BGP 500 ठीक है BGP के अंदर जाते हैं, और फिर BGP के अंदर जाने के बाद से हमें या तो आप डिफाइन कर सकते हो राउटर आईडी, राउटर आईडी ठीक है, राउटर आईडी डिफाइन करने के लिए 1.1.1.1 अगर नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक मेरे को लगता है कि उसके थ्रू ले सकता है, एक सेकंड शो आईपी BGP तो आप BGP नेबर, अच्छा अभी बनाए नेबर तो बनाया नहीं है ना, नहीं आया ठीक है शो आईपी प्रोटोकॉल देख लो वहां दिखेगा नहीं दिखेगा उसमें प्रोटोकॉल, तो उसमें वो दिखेगा ना, सिर्फ हमने प्रोटोकॉल में क्या चला रखा है हमने ये IP 10 मिनट्स बचे हैं भाई अभी प्रोटोकॉल में दिखाएगा सिर्फ ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ इसमें ये दिखाएगा, बीजीपी का सिर्फ मैंने बना रखा है बट कोई भी आउटगोइंग इनकमिंग कोई इंटरफेस नहीं है ठीक है। तो अब इसमें हम करते हैं लाइक हमने दे दिया चलो बीजीपी राउटर आईडी भी दे देते हैं, राउटर आईडी 1.1.1.1 ठीक है, और नेबर बनाते हैं, नेबर हमारा कौन सा है, इसमें क्या होगा ना 3.3 बना सकते हो, डायरेक्ट नेबरशिप बना सकते हैं और इनडायरेक्ट नेबरशिप भी बना सकते हैं, राउटर वन के राउटर फोर के साथ नेबरशिप बना सकते हो, राउटर थ्री जो है ठीक है उसके साथ फोर के साथ नेबर बना सकते हो ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो मैं क्या करता हूँ इसमें डायरेक्ट नेबर बनाता हूँ और कुछ इनडायरेक्ट भी साथ बना देता हूँ चलो ठीक है देखते हैं, पहले बनाते हैं थ्री के साथ ठीक है, तो 3.3.3.3 ठीक है, रिमोट एस का हमारा 500 क्योंकि रिमोट एस हम सेम लेके चल रहे हैं ठीक है, IBGP ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, इसमें चेक कर सकते हैं सो आई पी बीजीपी, कमांड चेक करने के लिए सो आई पी बीजीपी
समरी समरी लगाएंगे तो हमें दिख जाएगा इसमें, ठीक है। ये है तीन आइडियल क्यों आ रहा है, उस दिन बताया था ना मैंने, अभी स्टार्ट है। यस सर। आइडियल आइडियल क्यों आता है बताओ, आइडियल तो मैंने बताया था उस दिन, आइडियल का मतलब क्या होता है सर? अभी बीजेपी शटडाउन है, बीजेपी डाउन कर रहा है नेक्स्ट रिप्लाई के लिए। बीजेपी फर्स्ट टाइम इसमें रन हो रहा है, राइट? ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइम रन हो रहा है, ठीक, नेवर का। अब आते हैं राउटर टू पे, ठीक है, राउटर टू पे भी कमांड चला देता हूँ। इसमें कॉन्फिग टर्मिनल राउटर बीजीपी 500, ठीक है, बीजीपी राउटर आईडी 2.2.2.2, ठीक है, नेबर 3.3.3.3 और रिमोट एस क्या होगा हमारा 500, रिमोट एस 500, ठीक है। ये हो गया डू शो आईपी बीजीपी समरी, ठीक है, यहाँ भी सेम आएगा ऐसे ही, क्या राउटर राउटर फोर पे, ठीक है, राउटर फोर पे कॉन्फ़िगरेशन राउटर बीजीपी 500 500, बीजीपी राउटर आईडी क्या है 4.4.4.4, ठीक है, नेबर कौन सा हमारा 3.3.3.3 और रिमोट एस क्या है हमारा 100, रिमोट एस 500, ठीक है, शो आईपी बीजीपी समरी, ठीक है, यहाँ भी वही है, राउटर 5 पे, राउटर 5 पे सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा राउटर बीजीपी 500 बीजीपी राउटर आईडी 5.5.5.5, नेबर जो है कौन सा 3 है 3.3.3.3 और रिमोट एस 500, ठीक है, यहाँ भी शो आईपी बीजीपी समरी से चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी आईडी ला रहा है, ठीक है, ठीक है। राउटर 1 राउटर 2 राउटर 3 और राउटर 4 पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, अब हमें हमारा बाकी किस पे राउटर 3 पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ठीक है, तो राउटर चलते हैं राउटर 3 पे। राउटर 3 पे हमें क्या करना है, जब हम नेबर कमांड चलाएंगे, ठीक है, तो ये 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 और रिमोट एस क्या होगा हमारा 500, ठीक है, तो राउटर इसमें आते हैं कॉन्फ़िगरेशन राउटर बीजीपी 500, ठीक है, बीजीपी राउटर आईडी 3.3.3.3, ठीक है। अब हम करेंगे पहले नेबर राउटर 1 की तरफ, ठीक है, तो 1.1.1.1, ठीक है, रिमोट एस 500, ठीक है, रिमोट एस 500, ठीक है, 500 और दूसरा नेबर 2.2.2.2 रिमोट एस 500, नेबर 3 4 है ना 4.4.4.4, ठीक है, रिमोट एस 500, ओके, नेबर 5.5.5.5, ठीक है, रिमोट एस 500, ओके। अब बीजेपी आ गया होगा नेबरशिप, ठीक है, तो राउटर 3 से हम चेक कर लेते हैं शो आईपी बीजीपी समरी क्या हो गया, नेबरशिप आ गई, कहाँ अभी अपनी आई, तो ये कैसे क्यों नहीं, हमने तो कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है सारी, शो रन पाई सेक्शन बीजीपी, विनय हेलो विजेंद्र सर, हाँ जी, नेबरशिप क्यों नहीं आ पाई,
नेटवर्क रीचेबिलिटी तो है ही, हमारे सारा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क लिया है ना। ठीक है, तो फिर ये तो हमारे यहाँ पे दिखना चाहिए आइडियल। ठीक है, हमने कॉन्फ़िगरेशन भी कर रखा है, नेबरशिप बना रखा है, राउटिंग जो है वो रीचेबल भी कर रखा है। नेबरशिप अब आने में टाइम लगता है अनीश। हाँ नहीं विजेंद्र सर बताइए, विजेंद्र सर कभी कभी टाइम लगता है। विजेंद्र सर हाँ हाँ सोच रहा हूँ मैं भी, बीजेपी अब सालों भी नहीं है नेबरशिप तो आ जाती है। हाँ रीचेबल भी हो रहा है, मैंने कुछ लास्ट टाइम आपको उस लास्ट टाइम जब हम लोग को चल रहा था हेलो हाँ तो उसमें मैंने कुछ बताया था मैंने विनेत। यस सर, लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे तो उसमें कुछ बताया था ना मैंने कि अगर हम लूप बैक पे नेबर बनाते हैं ठीक है तो उसके साथ हमें क्या यूज करना होता है। अगर सपोज कि यहां से मैंने लूप बैक बना दिया ठीक है, ठीक यस सर, यहां से मैंने लूप बैक बना दिया तो यहां से मेरा सोर्स आईपी क्या जा रहा है। हमने नेबर तो बना दिया ठीक है, सोर्स आईपी क्या जा रहा होगा हमारे यहाँ पे, सोर्स आईपी सोर्स आईपी हमारा यहाँ से, क्योंकि हमने तो अभी बताया नहीं है उसको सोर्स के लिए, तो सोर्स आईपी जो आईपी है मेरा वहां से यहाँ से जा रहा होगा 3.3.3 और डेस्टिनेशन जो आईपी होगा क्या है, नेबर तो हमने दे रखा है तो ये है 3.3.3 ठीक है, 3.3.3.3 ठीक है, ये जा रहा है, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पहुंचा, ये देखेगा डेस्टिनेशन तो मैं हूँ ठीक है, लेकिन जो सोर्स आईपी है वो सोर्स आईपी क्या है 3.3.3 है, बट ये तो मेरा नेबर है ही नहीं है, लूप बैक आईपी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा ये। मेरा जो नेबर है वो 1 है ठीक है, 1.1.1 है, तो ये क्या करेगा, ये इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, तो ये इसका नेबर बनेगा ही नहीं बनेगा ठीक है। तो लास्ट टाइम भी मैंने यही बताया था कि कभी भी लूप बैक पे अगर बीजीपी नेबर हम बनाते हैं तो उसके साथ हमारा एक कमांड होता है, हमें बताना पड़ता है इस लूप बैक को कि ये हमारा सोर्स बन के जाएगा ठीक है, तो हमें क्या होता है जब भी लूप बैक पे देंगे ना तो हमें ये जो होता है ये विदाउट अपडेट सोर्स ठीक है, ये विदाउट अपडेट सोर्स जाता है ठीक है। अगर हमने क्या किया, अपडेट सोर्स हमने बता दिया कि अपडेट सोर्स लूप बैक जीरो और लूप बैक जीरो पर जो आईपी है 1.1 है उसके साथ नेबर बना हुआ है, तो यहां से क्या होगा जब भी ये जाएगा ठीक है तो ये यहां से अपडेट करके भेजेगा क्या 1.1.1.1 ठीक है, तो जब ये पैकेट जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये देखेगा कि हाँ 3.3.3 तो मैं खुद हूँ ठीक है, और जो सोर्स आईपी वो किसकी है, तो सोर्स आईपी देखेगा 1.1.1 तो ये मैच करेगा अपने में कि हाँ ये तो मेरा नेबर है, ये क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा और फिर एक्सेप्ट करके फिर ये क्या करेगा यहाँ से इसको भेजेगा।